बैडमिंटन मेकिंग प्रोसेस। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक रॉड को कंप्रेसर मशीन में डालकर दबाव देते हैं और ऊपर से पंचिंग करके छोटे छोटे होल करते हैं। फिर इसे दूसरे मशीन में डालकर सर्कुलर फॉर्म में बेंड करके फ्रेम को तैयार करते हैं और टी शेप जॉइंट पर ग्लू लगा कर फ्रेम के आखिरी छोर में लगाते हैं। फाइनली इसे पेंटिंग रूम में भेजकर व्हाइट कलर स्प्रे करते हैं ताकि इस पर लंबे समय तक जंग ना लगे। व्हाइट कलर सूख जाने के बाद पिंक कलर स्प्रे करके सूखने के लिए रखते हैं। फिर अगले यूनिट में इस पर कलरफुल स्टिकर लगाकर लुकेबल बनाते हैं और एक घूमती हुई चक्री में प्लास्टिक की गोटियों को डालकर फ्रेम के होल में लगाया जाता है ताकि बैडमिंटन के तनाव से स्ट्रिंग ना कटे। अब बारी आती है इसमें स्ट्रिंग को बुनाई करने की, जिसके लिए पहले स्ट्रिंग को वर्टिकली डालकर हॉरिजॉन्टली डालते हैं और इस तरह ये जाली नुमा तैयार हो जाता है। फिर इसे एक खास सिस्टम में लगाकर सभी डोरियों को टाइट करते हैं। फाइनली इसे कटिंग करके कुछ इस तरह तैयार कर लिया जाता है। अब बारी आती है असेंबलिंग की, जहां शाफ्ट के आखिरी छोर पर ग्लू लगाकर हैंडल में असेंबल करते हैं और फ्रंट साइड में ग्लू लगाकर हेड को लगाते हैं, जिससे कुछ इस तरह तैयार हो जाता है। अब हैंडल के एंड में बट कैप लगाकर स्टेपलर करते हैं और इसके हैंडल पर डबल ट्रांसपेरेंट टेप लगाकर फोम को लपेटते हैं। फिर बैडमिंटन को बैग में डालकर चैन को क्लोज करते हैं, जिससे आपका बैडमिंटन पूरी तरह बनकर तैयार हो जाता है।